मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 6 विकेट और 24 गेंद रहते हुए जीत लिया है। जी हां, पुणे में यह मुकाबला था और इस मुकाबले में आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या घटा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अपने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने 230 रन बनाए। मार्टिन कप्टन ने 11, मुंडो ने 10, विलियमसन एक बार फिर नाकाम रहे, 3 रन उन्होंने बनाए। टेलर ने 21 रन बनाए, लेथम ने 38। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में भारत को पटकनी दी थी। निकोलस ने 42, ग्रैंडहोम ने 41, सेटनर ने 29 और टिम साउदी ने 25 रन का अहम योगदान दिया। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर में 45 रन खर्च करके 3 शानदार विकेट लिए। बुमराह ने 10 ओवर में 2 मेडन 38 रन 2 विकेट लिए और चहल ने भी 8 ओवर में 36 रन खर्च करके 2 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा मात्र 7 रन बना के साउथी की गेंद पर मुंडो को कैच दे बैठे। उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया। उसके बाद विराट कोहली भी 29 गेंदों पर 29 रन बनाकर चलते बने। उस वक्त टीम का स्कोर 13.5 ओवर में 79 रन था। उसके बाद शिखर धवन और दिनेश कार्तिक ने पारी को संभाला। 30वें ओवर में जाकर दिनेश कार्तिक और धवन की जोड़ी टूटी। शिखर धवन 68 रन बनाकर आउट हो गए। टीम का स्कोर था 145 रन। आज हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से ऊपर भेजा गया। उन्होंने 31 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए और वो सेटनर की गेंद पर आउट हो गए। फिर कमान संभाली महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी और कार्तिक ने मिलकर रिक्वायर्ड जो भी रन थे उनको आसानी से बना लिया। दिनेश कार्तिक ने अपने करियर की 9वीं 50 लगाई। उन्होंने 64 रन बनाए, 92 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इस पारी में शामिल रहे, जबकि शिखर धवन ने अपने करियर की 22वीं 50 लगाई। धोनी ने भी आज नाबाद छोटी सी 18 रन की पारी खेली, 3 चौके इस पारी में लगाए। गेंदबाजी की जहां तक बात की जाए, टीम साउथी ने 9 ओवर में 60 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया। बोल्ट ने 10 ओवर में 54, कोई विकेट नहीं। मिल्ले ने 8 में 21 रन दिए और 1 विकेट लिया। सेटनर ने 10 में 38, 1 विकेट। ग्रैंडहोम ने 7 ओवर में 40 और 1 विकेट। और मुंडो ने 2 ओवर में 12 रन, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तो कुल मिलाकर 3931वां ओडीआई मैच भारत ने जीत लिया। न्यूजीलैंड बनाम भारत की अब ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई। अगला मुकाबला कानपुर में होगा जो कि निर्णायक होगा इस ओडीआई सीरीज का। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट और 24 गेंद शेष रहते हार चखा दी है और इस सीरीज में वापसी कर ली है। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।